नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश बस्ती से। बच्चों, अभी जो आपका कल नीट का रिजल्ट आया है, उसके बेसिस पे हम आपके लिए ऑल इंडिया की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आए हुए हैं कि ऑल इंडिया की इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, ऑल इंडिया कट ऑफ 2021। अगर हम 2020 की बात करें कि 2020 में आपकी क्या कट ऑफ गई हुई थी ऑल इंडिया में, जनरल कैटेगरी के लिए 611 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 15024। इस रैंक पे 15024 रैंक, ये वो लास्ट रैंक है जिसको ऑल इंडिया कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट को सीट मिली थी और मार्क्स थे 611 मार्क्स। EWS कैटेगरी में 630 मार्क्स पे ऑल इंडिया क्लोज हो गया था, OBC में 615 मार्क्स पे, SC में 507, ST में 488। अब बच्चों आप बोलोगे कि EWS और OBC की कट ऑफ ज्यादा क्यों गई थी, और आप ये भी चीज बोलोगे कि जो स्टेट की 15% सीट्स आती है ऑल इंडिया कोटा में, वहां पे 2020 तक तो सिर्फ जनरल की सीट्स होती थी, तो ये EWS और OBC की कट ऑफ कैसे आ रही है। ये जो EWS और OBC की कट ऑफ है, ये बच्चों आपकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की कट ऑफ है। ठीक है, जो आपके एम्स सिम्स रहे होंगे, एम्स रहा होगा आपका, BHU है, AMU है, ठीक है, आपका आपका जो पॉन्डिचेरी में इंस्टीट्यूट है, आपका जिपमर, ठीक है, जिपमर के दोनों कैंपस पॉन्डिचेरी और कराईकल, तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पे आपका EWS और OBC की कैटेगरी सीट्स हैं। जो 15% सीट्स आती थी ऑल इंडिया कोटा में, वहां पे सिर्फ जनरल SC और ST सीट्स हुआ करती थी। बट इस साल से 2021 की अगर हम बात करें, 2021 की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो इस साल आपको जनरल, OBC, EWS, SC, ST ये पांचों कैटेगरी हर एक सीट में मिलेगी। मतलब वो स्टेट की 15% वाली सीट्स होंगी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी, तो हर जगह आपको 10% EWS और 27% OBC का रिजर्वेशन मिलेगा। तो इससे जो ये 613 और 615 जो कट ऑफ गई थी ना लास्ट ईयर, EWS और OBC की कट ऑफ इससे नीचे आएगी। OBC की उतना फर्क ना पड़े, बट EWS पे ज्यादा फर्क पड़ेगा और वो जनरल से भी कम आएगी। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, आप देखोगे कि जो 610 वाला रैंक है, ठीक है, जो 610 वाली रेंज है, 600 से 610 वाली रेंज, यहाँ पे जो रैंक बनी है वो पिछले साल से थोड़ी सी कम बनी है। ठीक है, 650 के ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं उनकी रैंक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा आई है, बट इस रेंज में कम आई है। ठीक है, तो थोड़ा तो एक दो नंबर का वेरिएशन उस रैंक की वेरिएशन की वजह से पड़ेगा। दूसरा फैक्टर जो मेजरली डिटरमाइन करेगा वो है नंबर ऑफ कॉलेजेस जो इंक्रीज हुए हैं इस साल। तमिलनाडु में आपके 11 नए मेडिकल कॉलेजेस आए हैं जिसकी वजह से 1450 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। यूपी में आपके 9 मेडिकल कॉलेजेस आए हैं तो 900 सीट्स ऐड हुई हैं। झारखंड में आपका एक दुमका मेडिकल कॉलेज आया है, 100 सीट्स ऐड हुई हैं। गुजरात में आपके कॉलेजेस एक्सपेक्टेड हैं, राजस्थान में एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक कॉलेज राजस्थान में आपका एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे जो कई कॉलेजेस हैं जिनके पे अभी तक कोई श्योरिटी नहीं आई है, बट हम फिर भी सोचेंगे कि कुछ ना कुछ सीट्स ऐड होंगी। तो ये जो टोटल सीट्स ऐड हो रही है इतना, ठीक है, 15% सीट्स तो इनकी ऑल इंडिया कोटा में आएंगी, जो कहीं से 400 से 500 सीट्स हो रही हैं जो ऑल इंडिया कोटा में ऐड होंगी। ठीक है, और उसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो गिरेगी। हम इस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 611 का जनरल की कट ऑफ हुई थी 2020 में, तो 2021 में बच्चों अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 16500 से 17500 है, तो आपको चांसेस है कि आपको ऑल इंडिया कोटा में जरूर मिल जाएगा। 16500 तक तो जरूर मिल जाना चाहिए। तो मार्क्स का जो रेंज है वो 606 से 607 ऑल इंडिया कोटा में जनरल के लिए ये एक्सपेक्टेड है। EWS कैटेगरी की बात करें तो आप इतना मान लो 605 से 606। OBC कैटेगरी की बात करेंगे तो 606 से 607, ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। SC कैटेगरी के लिए 500, लास्ट ईयर 507 थी, और ST कैंडिडेट्स के लिए 488 से आप मान लो 480। तो ये 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई ये रैंक के रेंज में, 16500 से 17500 के रेंज में ही आपका जनरल, EWS और OBC मेजरली इतने रैंक में मिलने वाला है। ठीक है, इतने तक में क्लोज हो जाएगी आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग। अब अगर हम PH कैंडिडेट्स की बात कर ली तो जनरल, OBC और EWS इन तीनों कैटेगरीज में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स थे, ठीक है, 2020 में इनके लिए कट ऑफ गई थी 140। ठीक है, इस साल भी ये कट ऑफ इसी के राउंड रहेगी। ठीक है, इसी के राउंड कट ऑफ रहने वाली है 140 टू 145 के बीच में। SC में जो PH कैंडिडेट्स उनके लिए 126 कट ऑफ थी, तो इस साल भी वही आप मान लो 126 टू 130 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ST में जो PH कैंडिडेट्स उनके लिए 125 कट ऑफ थी लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा में, तो ये कट ऑफ भी 125 टू 130 के अराउंड रहेगी। तो ये है इस साल के लिए आपकी ऑल इंडिया की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है,
जो आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आने वाला है 15% स्टेट काउंसिलिंग में, उसकी वजह से आपकी पिछले साल से आपको एक ज्यादा वेरिएशन मिलेगा। जनरल में आपको 611 से 4 से 5 नंबर का वेरिएशन मिलने वाला है, 606 से 607 कट ऑफ जाने वाली है। इस रेंज में अगर आप हैं 16,500 से 17,500, स्पेशली वो बच्चे जो राजस्थान स्टेट में हैं, हरियाणा स्टेट में हैं, दिल्ली स्टेट में हैं, जहां की कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ से भी हाई जाती है, और इस रेंज में अगर वो अपने आप को पा रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया रैंक इस रेंज में है, तो वो बच्चे आप जरूर ऑल इंडिया कोटा में आप चांस करें, कोशिश करें कि आपको ऑल इंडिया में सीट मिल जाए। अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहते हैं इस रेंज में अगर आप हैं और आप चाहते हैं कि आपको पर्सनलाइज असिस्टेंस मिले, या अगर अपनी काउंसलिंग में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से आप कैसे काउंसलिंग करेंगे, क्या चीज़ें होंगी आपके लिए चॉइस फिलिंग, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लग रहा है, ठीक है, आपको अपना कॉलेज प्रिडिक्ट करना है, कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो हमारे नंबर जो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। और बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि आपका कॉल ना उठे या व्हाट्सएप ना आए, क्योंकि जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी समय पर वो हमारे लिए हमारी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम है, एक एक करके हम सबको रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, एक नॉमिनल से फीस देके आप नीट के एक्सपर्ट से अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। हमारी टीम में डॉक्टर्स हैं, एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, जो आपकी काउंसलिंग में आपको पूरी पूरी मदद करेंगे। तो ये है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया के लिए, ठीक है, ये आपके सामने है, और मैं पूरा पूरा आपको श्योर कर रहा हूँ कि 16,500 से 17,500 इसी रेंज में आपकी ऑल इंडिया की कट ऑफ आने वाली है। इतने मार्क्स वाले बच्चे, इतने जो रैंक पा रहे हैं, वो अपनी ऑल इंडिया काउंसलिंग को प्रोसीड करें, अच्छे तरीके से कराएं, मॉकअप राउंड तक, स्ट्रे राउंड तक आपको जरूर सीट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग।